जावा 42 एक क्लासिक बाइक है जो कि अब नए दमखम के साथ मार्केट में फिर से आ गई है। अब इस गाड़ी के आने के बाद क्लासिक बाइक्स के दीवाने ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि वो रॉयल एनफील्ड 350 को चुने या फिर जावा 42 को। आपके इस डाउट को दूर करने के लिए आज हम आपको दोनों ही गाड़ियों के खास फीचर्स एक साथ बता रहे हैं और आप तय कर लीजिए कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले प्लीज आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। हम सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की, तो दोनों ही बाइकें क्लासिक लुक के साथ आती हैं, लेकिन रॉयल एनफील्ड आज भी बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी पहले दिखती थी, जबकि जावा 42 को पुरानी बाइक से इंस्पिरेशन लेकर थोड़ा नया टच भी दिया गया है। इंजन के मामले में जावा 42 में 293 सीसी का दमदार इंजन है जो कि 27 BHP की पावर के साथ 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है और इस इंजन को 6 स्पीड का गियरबॉक्स कंट्रोल करता है जिसके सहारे आप गाड़ी को 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक चला सकते हैं। रॉयल एनफील्ड में यही इंजन 346 सीसी का है लेकिन इसकी पावर सिर्फ 19.8 BHP की है और इससे 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। रफ्तार के मामले में भी ये जावा से पीछे है और इसकी अधिकतम रफ्तार है सिर्फ 110 किलोमीटर प्रति घंटा। फीचर्स के मामले में दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं। जावा में लिक्विड कूल इंजन, ड्यूल चैनल ABS, फ्यूल इंडिकेटर और ट्विन एग्जॉस्ट मफलर जैसे फीचर्स हैं, तो रॉयल एनफील्ड में भी ड्यूल चैनल ABS, क्लासिक एनालॉग स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स शामिल हैं। एवरेज की बात करें तो इस मामले में जावा पिछड़ जाती है क्योंकि जावा 42 का एवरेज सिर्फ 28 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर है, वहीं रॉयल एनफील्ड 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज दे सकती है। इन दोनों गाड़ियों में एक अंतर आवाज का भी है, जहां रॉयल एनफील्ड एक दमदार साउंड पैदा करती है वहीं जावा 42 का साउंड काफी शांत है और ये लंबे टूर के लिए एक परफेक्ट गाड़ी भी हो सकती है। अब बात करते हैं कीमत की, तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक की कीमत शुरू होती है 1,45,000 से और जावा 42 की शुरुआती कीमत है 1,69,000 रुपए। अब ये फैसला आपको करना है कि आप कौन सी गाड़ी चलाना चाहते हैं और शान की सवारी के मजा उठाना चाहते हैं। आप अपनी राय हमें जरूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।